सब्सक्राइब करें जनता की आवाज अब तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाल सफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज यानी कि 9 तारीख आज है, 9 जून है, और आज जो है सुबह से जो है लगातार यहां पे वोट हो रही है। और ताजपुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद के लिए जो बाकी रह गए थे चुनाव, वो इस वक्त जो है आज उनका उसी का जो है आज वोट यहाँ पर हो रही है, पोलिंग हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ इस वक्त जो है ताजपुर के राजकीय मध्य विद्यालय ताजपुर में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो दो यहाँ पे बूथ है जिसमें 10A और 10B करके है, देख सकते हैं यहाँ पे। आइए देखते हैं यहाँ पे कितना परसेंटेज जो है अभी तक वोट यहाँ पे गिर चुकी है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं बहुत कम तादाद में जो है, अभी धूप इतनी चिलचिलाती हुई धूप है कि वोटर्स जो है घर से निकल नहीं पा रहे हैं, और बहुत कम के तादाद में अभी तक जो है यहाँ पे वोट गिरी है, परसेंटेज ऐसा बताया जा रहा है कम परसेंटेज। आइए यहाँ पे जो है पूछ लेते हैं कितना परसेंटेज अभी तक जो है यहाँ पे गिरी है। तो आप देख सकते हैं ये 10A है और बूथ नंबर, यहाँ पे जो है तमाम पोलिंग एजेंट वगैरह बैठे हुए हैं। कितना परसेंट सर अभी तक वोट यहाँ पर गिर चुकी है? कितना? 247। अच्छा, तो आउट ऑफ कितना में? 689 में। तो कितना लगभग, कितना परसेंटेज लगभग, कितना 35-40 लमसम 40%। और अभी जो है बस 4:30 बज चुके हैं, बस कुछ ही जो है बचे हुए कुछ ही देर का वक्त है जो ये चुनाव जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। और अभी तक जो है 40% के लमसम में जो ही यहाँ पर वोट गिरी है। और आइए देखते हैं उधर कितना है। 10B है, वोट गिर चुकी है। कितना परसेंट है सर? 39%। तो लोग आ रहे हैं या फिर आ रहे हैं घर से निकल रहे हैं? गर्मी की वजह से दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गर्मी की वजह से यहाँ पर जो है लोग घर से बहुत कम निकल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अभी तक जो है 39-40% अभी तक वोट यहाँ पे गिरी। आइए कुछ और बूथ पे जाते हैं, वहाँ का क्या माहौल है, वहाँ का गर्मी के वजह से जो है परेशानी है, लोग जो है कम घर से निकल रहे हैं। जी, कम निकल रहा है, जैसे गर्मी कम हो रहा है, मौसम जैसे सही हो रहा है, उसे लोग आ रहे हैं लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रशासन के भी लोग, उनसे बात करेंगे क्या कुछ करते हैं यहाँ पर, सुरक्षा व्यवस्था में कैसा व्यवस्था, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, कोई गैदरिंग वगैरह? ठीक है, यहाँ का यहाँ पर जो है ताजपुर में जो है सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। अब देख सकते हैं चारों तरफ जो है प्रशासन के लोग जो है चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई तरह का दिक्कत वगैरह नहीं है। चलिए दूसरे बूथ पे चलते हैं, वहाँ का माहौल जानते हैं क्या कुछ। दोस्तों इस वक्त जो है बूथ नंबर 12A 12B पे मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर बूथ है। और क्या हाल है, कैसा पोजीशन है? बहुत बढ़िया पोजीशन है, लड़ाई अभी त्रिकोणीय बनी हुई है। मनोहर जी हैं जिनकी वाइफ सहना प्रवीण है, जिनका चुनाव चिन्ह 47 है। अनिकेत कुमार हंसू जी हैं, उनकी माता जी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह 18 है। आशुतोष कुमार मासुक जी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है। त्रिकोणीय लड़ाई बनी हुई है, लोगों के बीच काफी उत्साह है, कुछ लोग चुपचाप भी वोटिंग किए हैं। तो आप किसके प्रति जा रहे हैं? आप लोग वोट गिरा के आ रहे हैं, तो अभी तक कितना परसेंटेज वगैरह हुआ यहाँ पे? अभी तो बहुत खराब स्थिति है, 35-40% के बीच में। मुझे अपना अंदाज है कि 40-42% ही पोल होगा। उसका भीषण गर्मी है, टाइम भी करीब है, भीषण गर्मी था। दूसरा फ्राइडे का दिन था, जिसके कारण मुस्लिम समुदाय के लोगों का नमाज रहता है। सरकार को यह सब चीज़ देखना था, खैर इसमें गलती हुई है, जिसकी वजह से लोग घर से नहीं निकल, बिल्कुल नहीं निकल पा रहे। भीषण गर्मी था, तो उसको कुछ व्यवस्था करना था, कूलर का पानी का, एक बूंद पानी की व्यवस्था नहीं, कहीं कोई मामला नहीं। ठीक है दोस्तों, आइए अंदर का हाल देखते हैं, कितना परसेंटेज यहाँ पर देख सकते हैं आप। सुरक्षा का जो है इंतजाम है, लोग जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं लगे हुए हैं।
और यहाँ पे दो दो बूथ जो है दो बूथ यहाँ पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब तमाम लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं। कुछ सर यहाँ पर आप हैं यहाँ के सर खेल कोई तरह का दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे अभी आवाज़ वगैरह आ रही है, कुछ लोग आपस में ये सर मुझे शिकायत मिली कि यहाँ पे पानी वानी का भी कुछ व्यवस्था नहीं है। नहीं पानी व्यवस्था है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पानी खपत बढ़ गई है, सब व्यवस्था है सर। अभी तक सर कितना परसेंटेज यहाँ पे वोट गिर चुकी है? सभी बूथ पे जो है इसी वोट की तरह का है रुझान की लगभग 40% तक अभी तक वोट गिर चुका है और टाइम जो है बहुत करीब ही है। मुश्किल से कितना मिनट बचा हुआ है? 15 मिनट मात्र बचे हुए हैं। और देखिए यहाँ पे लोग जो है तमाम जो लोग हैं लाइन में लगे हुए हैं और अपने अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। दो बूथ होने की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ नजर आ रही है, लोग जो है जागरूक नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हम लोग वोट गिरा दिए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है दो बूथ है और यहाँ पे जो लोग आज फ्राइडे की वजह से जो है लोग अब शाम में निकल रहे हैं घर से, अब लोगों ने गिरा दिया, कोई तरह का दिक्कत वाला नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बूथ इधर है और एक बूथ इधर है, दो बूथ है यहाँ, और जिसकी वजह से तमाम लोग जो है लाइन में लग के अपनी अपनी बारी का जो है इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन के लोग भी चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं तमाम चारों तरफ से, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रशासन के लोग जो है चलिए सर नजर आ रहे हैं और बहुत ही उत्सुकता उत्सुक होकर जो लोग जो है यहाँ पे वोट गिरा रहे हैं। आइए दूसरे बूथ पे चलते हैं, क्या कुछ है वहाँ का। आप देख सकते हैं कि बाहर का बूथ नंबर 11-12 जो बाहर का 12-1, 12-2 का जो बूथ नंबर के बाहर का जो नज़ारा है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो वोटर्स है काफ़ी जागरूक नज़र आ रहे हैं। आप तमाम देख सकते हैं ये फ्यूचर के भी नेताजी सामने खड़े हुए हैं रमा जी, और इस बार जो है पिछले बार इलेक्शन में इन्होंने चुनाव लड़े थे। और क्या कुछ कैसा माहौल है, कितना परसेंटेज अभी तक वोट यहाँ पे जीत चुका है, तमाम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं? ऐसा माहौल नहीं है जैसा जो है इससे पहले जो चुनाव हुआ था, लोग अभी एक्टिव उतना नहीं नजर आ रहे हैं ना, और काफ़ी चिलचिलाती धूप भी है जिसके वजह से लोग गर्मी का जो है ज़्यादा तापमान होने के कारण भी लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। परेशानी ये भी है और प्रमुख का तो चुनाव हो रहा है, इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे हैं, वोटिंग जो है बहुत कम हो रहा है यहाँ, फिर भी जो लोग अभी बचे हुए हैं वो लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। कुछ और लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। दोस्तों आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, कैसा माहौल है इधर का, सब शांति ढंग से सब हो रही है? ये आपके घर के बिल्कुल सटा हुआ ये बूथ है, और आइए यहाँ पर हमारे बुजुर्ग भी नजर आए, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या आप लोग वोट गिरा दिए? कैसा माहौल था यहाँ पर? स्कूल है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और जो लोग बचे हुए हैं उनको जल्दी जल्दी अगर यहाँ से भेजिए, चूँकि टाइम जो है करीब है, बस 10 मिनट का टाइम बचा हुआ है, जो लोग 5 बजे के अंदर तक जीत जाएंगे उन लोगों को वोट गिरा दिया जाएगा, गिराने दिया जाएगा। अच्छा है, चलिए दोस्तों और चलते हैं दूसरे बूथ पर, वहाँ का क्या माहौल है देखते हैं। और दोस्तों अब जो है दूसरे बूथ की ओर जा रहे हैं और बस टाइम जो है बहुत करीब है, 5 बजने को है, देखते हैं अगल बगल के जो भी बूथ होंगे वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त जो अभी नीम चौक की ओर जा रहा हूँ, देखता हूँ वहाँ का माहौल क्या है। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है फ्लैग मार्च है, और ताजपुर प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ पे पुलिस का जो है फ्लैग मार्च है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त जो है शांति बनाए रखने के लिए जो है पुलिस का फ्लैग मार्च है। इस वक्त जो है नीम चौक पे जो है प्रशासन के लोग भी फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि हर जगह जो है शांति व्यवस्था बनी रहे। और आप देख सकते हैं सामने जो है सोनी फैंसी ज्वेलर्स में भी जो है हमारे एक भाई साहब हैं जो काफ़ी एक्टिव है, देख रहे हैं सामने से जो है बूथ नंबर 18 पे मौजूद हूँ, नीम चौक के बीच चौराहा पे बनाई गई है, और यहाँ पे भी काफी जो है लोग उत्सुक नजर आ रहे हैं वोटिंग के प्रति, लेकिन सिलसिलेवार धूप के वजह से जो है लोगों का जो वोटिंग परसेंटेज जो है
वो इस बार बहुत कम है, लगभग 40% के लमसम में जो है अभी तक। दूसरे बूथ पे जो मैं गया वहाँ पता चला कि 40% तक अभी है यहाँ पे वोटिंग हुई। और आइए यहाँ पर पता करते हैं कितना परसेंटेज जो है यहाँ पर वोट हो चुकी है, आइए देखते हैं यहाँ जानते हैं सर कितना परसेंटेज अभी तक वोट गिर चुकी है। कितना आउट ऑफ कितना में कितना देख सकते हैं उधर का माहौल, देखिए जरा उधर का माहौल जरा दिखाइए कैमरा में, ये आप देख सकते हैं सामने यहाँ पे जो है बूथ है और यहाँ पे जो लोग काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं, काफी जो है एक्टिव नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रशासन के लोग भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। सर यहाँ की प्रणालियाँ सर कैसा व्यवस्था है? अच्छा भाई व्यवस्था ठीक ठाक है यहाँ पे, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है लोगों का कहना है। और आइए और भी यहाँ पे बूथ है वहाँ भी जाने की कोशिश करेंगे, चूँकि टाइम जो है कम है, लगभग 2-3 मिनट ही बच गए हैं, चलते हैं। 17-1 में जो है बूथ नंबर पे मौजूद हूँ और लगभग जो है टाइम 5:02 हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं आप जो बाहर के जो लोग हैं अब तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो लोग अंदर में हैं वही लोग जो है वोट गिरा कर निकल रहे हैं। हो गया वोट? हाँ ठीक ठाक से रहा ना सब कुछ? सब ठीक है। और देख सकते हैं प्रशासन के लोग भी चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे हैं। सर यहाँ के प्रभारी आप हैं? हाँ सर, कैसी व्यवस्था थी यहाँ पर? बहुत बढ़िया व्यवस्था था, चुस्त दुरुस्त, पानी वानी का पूरा पीने वाले का व्यवस्था थी, कोई तरह का दिक्कत नहीं, कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है सर, अब तो लोग नहीं बाहर से आ रहे हैं, अब तो क्लोज हो गया था। आदमी भी नहीं है। अच्छा देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो वोटर्स हैं, इसी इलाके वोट गिरा दिया आप? हाँ। कैसा गया? ठीक ठाक, कोई तरह का अंदर में दिक्कत परेशानी नहीं? ठीक। दोस्तों आइए दूसरे बूथ पे भी चलते हैं और यहाँ पता लगाते हैं कितना परसेंटेज जो है वोट गिर चुकी है। दोस्तों आप देख सकते हैं बस मैं अंदर में परसेंटेज अब तो बस एक दो ही लोग अंदर में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कितना परसेंटेज अभी तक वोट गिर गया सर? 23 कितना परसेंट हो गया सर? 530 वोट गिरा है। 30 कितना सर? 530 गिरा, 530 गिरा है। और जिसमें तो ऑर्डर कितना क्या होगा यहाँ पे जो है सबसे अच्छा बेहतरीन यहाँ पे पोलिंग हुई है, लगभग 55% के लमसम में यहाँ पे हुआ है, बाकी जगह तो 40% वगैरह हुआ है। महिला कितना है सर? 238 महिला है और पुरुष घटा रहे हैं 292। टोटल जो है 530 पोलिंग हुआ है यहाँ। ठीक है, 25 नंबर बूथ पर मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम जो है अब ओवर हो चुकी है और जो लोग अंदर में वही लोग जो है गिरा के बाहर निकलेंगे और यहाँ पे जो है अब सील पैक किया जाएगा। आइए देखते हैं कितना परसेंटेज जो है वोट यहाँ पर गिरी है, जानकारी लेते हैं परसेंटेज वोट अभी तक यहाँ पर गिरी है। कितना टोटल आउट ऑफ कितना सर? 1,008 में 458 यानी कि आपको 45% के लमसम नहीं करता हूँ, 45% के लमसम में यहाँ पे जो है महिला वाइज और पुरुष वाइज बताइए जरा, महिला का कितना पुरुष का कितना? पुरुष का 48.78%। टोटल पता ही नहीं, 261 महिला में, 157। दोस्तों अब टाइम तो ओवर हो गई है, बस अब सील पैक किया जाएगा। देख सकते हैं टाइम ओवर हो गई है, 5:10 हो चुके हैं और अब जो है ईवीएम को जो है यहाँ से पैक किया जाएगा और उसके लिए प्रोसेस किया जा रहा है, अंदर बंद किया जा रहा है कि अब जो है बाहरी आदमी का आना
बंद हो गया और ईवीएम जो है यहाँ पर खराब हो रही है, आप देख सकते हैं सामने ईवीएम को जो है पैक किया जा रहा है, बूथ नंबर 25 है देख सकते हैं। समस्तीपुर ताजपुर नगर पालिका उपचुनाव 2023 में उपाध्यक्ष का चुनाव था जो शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा में शांति माहौल में संपन्न हुआ। उपाध्यक्ष की कुर्सी के लिए कुल 8 प्रत्याशी अपना अपना किस्मत आजमा रहे थे जिनका रिजल्ट कंट्रोल यूनिट में कैद हो गया। कौन प्रत्याशी भाग्यशाली रहे वो अब तो गिनती के बाद ही पता चल पाएगा, मगर आंकड़ों के मुताबिक चुनाव त्रिकोणीय रहा। चुनाव चिन्ह घड़ा छाप नाव छाप एवं तितली छाप के बीच संघर्ष होते नजर आया। उधर जानकारी देते हुए निर्वाचन पदाधिकारी सह वीडियो मनोज कुमार ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में कुल 27 वार्ड में 47 मतदान केंद्र है जहां पुरुष मतदाताओं की संख्या 17,919 है, वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 15,889 है। महिला और पुरुष मिलाकर कुल मतदाताओं की संख्या 33,808 है जिनमें से मात्र 16,312 यानी के 48.33% वोटिंग हुए, पुरुष 8429 यानी के 47.03% और महिला 7883 यानी के 49.62%। वोट का प्रतिशत कम होने के कारण यहां अत्यधिक गर्मी और धूप रहा, लोग घर से नहीं निकले। जानकारी के अनुसार मतदान केंद्र संख्या 19-2 एवं 23-2 का कंट्रोल यूनिट CU मॉक पोल से पहले तकनीकी खराब हो गया था जिसको पदाधिकारी द्वारा ससमय बदला गया। वहीं कई जगहों पर मतदाताओं को मतदान पर्ची नहीं मिला था जिसको लेकर नाराजगी दिखी। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त साजिद रफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज आप तक। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक कमेंट करें और जनता की आवाज आप तक को सब्सक्राइब करना यूट्यूब पर न भूले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।